इस बार केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए, लंबा इंतजार खत्म हो गया है। 2 साल के लंबे कोरोना काल के बाद आज पहली बार केदारनाथ धाम के पट खुले। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बाबा के दर्शन का इंतजार खत्म हो गया। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच गई। इसके बाद सुबह सुबह धाम के कपाट खोले गए। हर बार की तरह इस बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्होंने पहला दर्शन कर आशीर्वाद लिया और इस पल के गवाह बने। जानकारी के मुताबिक करीब 10,000 श्रद्धालु कपाट खुलने के दौरान मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस खास मौके पर केदारनाथ धाम को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के 21 किलोमीटर के पैदल रास्ते पर भारी तादाद में श्रद्धालु हैं। कोरोना काल में बंद रहने की वजह से इस बार श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, जबरदस्त भीड़ है। कोरोना काल में आर्थिक नुकसान झेल चुके व्यापारी चार धाम यात्रा शुरू होने से बेहद उत्साहित हैं। कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोगों की कोरोना या फिर समय पर इलाज न मिलने की वजह से मौत हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव से पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है। परिसीमन आयोग ने एक मीटिंग की और फाइनल रिपोर्ट पर साइन कर दिए। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अनुसार लोकसभा की 5 सीटों में 2-2 सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होंगी, जबकि 1 सीट दोनों के साझा क्षेत्र में होंगी। विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों को रिजर्व किया गया है। इसमें से 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में रहेंगी। वहीं कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित की गई। 12 दिन बाद राणा दंपत्ति को जेल से रिहाई मिल गई। हालांकि तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण नवनीत राणा घर की जगह मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुई। शाम को रवि राणा की रिहाई हुई, जहां वो अस्पताल पत्नी से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों की तस्वीरें भावुक कर देने वाली थी। हरियाणा की करनाल जिले की पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया है। वे इनोवा गाड़ी में हाईवे से गुजर रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर बांसताड़ा टोल प्लाजा के पास नाका लगाया और इनोवा गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी से तलाशी में असलाह बारूद बरामद हुआ है। चारों आतंकियों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जर्मनी में देशभक्ति गीत सुनाने वाले 7 साल के आशुतोष के वीडियो को एडिट करने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा है। आयोग ने ट्विटर को कॉमेडियन कुणाल कामरा के अकाउंट पर कार्रवाई करने और वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। ट्विटर को भेजे गए नोटिस में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि नाबालिग बच्चे को राजनीतिक विचारधारा के लिए उपयोग करना गैरकानूनी है और जुवेनाइल एक्ट 2015 का उल्लंघन है। वही बच्चे के पिता ने भी कामरा पर सवाल खड़े किए हैं। जैसलमेर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना ने प्रदर्शन किया। स्थानीय हनुमान चौराहे पर इकट्ठा होकर सभी ने नारेबाजी की। यह हंगामा प्रदर्शन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हिंसा के खिलाफ किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा जताते हुए हनुमान चालीसा भी पढ़ी। बाद में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की। मुरादाबाद के भोजपुर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने बगैर नक्शे के पास कराए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया, तभी मकान मालिक और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।
इसके बाद सभी अधिकारी मौके से भागते दिखे। कई अधिकारियों की गाड़ियां रेत में फंस गई। पुलिस और कर्मचारियों ने उन गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला। उड़ीसा के चिल्का झील में एक हादसा हो गया। तेज हवाओं की वजह से एक नाव झील में डूब गई। उस नाव पर कई लोग सवार थे। फौरन इसकी खबर स्थानीय प्रशासन को मिली। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। 11 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि अभी भी एक शख्स लापता है। उसकी तलाश के लिए बचाव दल लगातार मशक्कत कर रहा है। दरभंगा में महज घंटे भर की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। मुख्य सड़क से लेकर मुख्य बाजार भी जल जमाव से जूझने लगा। एक से डेढ़ फीट तक बारिश का पानी भरा तो लोगों की परेशानी बढ़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही से शहर का ऐसा हाल है।